信頼の意味もあるし、まあ、それもどこに出すと俳優をでちょっとあぶざりかあまんで家だらさるあまれकाम के करने के लिए काम के मैदान से हम वापस गए या नहीं है इस बात की कारगुजारी होती है। काम जो होता है वो जब होता है जब आदमी के सामने कोई हदफ हो, कोई टारगेट हो, कोई मकसद हो, तो हमें ये करना है। तरीक़ाकार उसके बाद आता है, पहले तो मकसद सामने होना चाहिए। तो हमारे सामने बार बार अपने नियत को ठीक करना, अपने मकसद को वाज़ेह करना, हमें सारी दुनिया के इंसानों को इस मेहनत पर खड़ा करना है। सारे कलमा पढ़ने वाले जिन्होंने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, वो इस फिक्र पर खड़े हो जाए कि इंसानियत हलाकत से, तबाही से बच करके और सीधे रास्ते पर, जन्नत वाले रास्ते पर, अल्लाह की रजा वाले रास्ते पर चलने वाली बन जाए। ये हमारा हदफ है, ये हमारी मेहनत का मकसद है। इसके लिए एक एक उम्मती को काम पर खड़ा करना है। और काम को काम पर खड़ा करने के लिए अगर काम सही नहज पर भी होगा तो एक और एक मिलकर के दो नहीं होते हैं, 11 हो जाते हैं। और भाई अगर सही नहज पर नहीं होगा तो बड़ी बड़ी दुनिया के अंदर कामयाब कुर्बानियाँ दी जाती हैं, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहु को उन कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो अपने फजल से लोगों को हिदायत अता फरमाते हैं, वो हमारी नियतों को देखते हैं और हमारे काम के तरीक़े को देखते हैं। दोनों चीज़ें लाजमी है, हमारी नियत भी अल्लाह को खुश करने की होनी चाहिए और फिर जो तरीक़ा काम के करने का है उस तरीक़े को साथ ही साथ हमें मलहूज रखना है। एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये दोनों चीज़ें साथ हैं, तब पूरा कलमा बनता है। अकेले आधे से काम नहीं चलता, दोनों चीज़ें साथ हैं। अपनी नियत भी सही करनी है, अपना रास्ता भी सही करना, दोनों बातें सही होंगी तो ये जो कारगुजारी होती है ये इसी बात के लिए होती है कि हमारे सामने मैदान मेहनत यानी पूरे आलम की इंसानियत हमारे सामने होनी चाहिए। जो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक बात कही कि भाई ये काम जो है ये तो एक मेहनत है, ये कोई जमात नहीं है। न उन्होंने इस काम को तबलीग का नाम दिया, मौलाना इलियास साहब ने इस काम को तबलीग का नाम नहीं दिया, बल्कि ये तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तबलीग है, ये दावत है, इस किस्म के नाम लोगों ने दे दिए। उन्होंने तो फरमाया कि अगर मैं इसको कोई नाम देता तो तहरीके ईमान इसको नाम देता, लेकिन वो भी नहीं रखा, क्योंकि ये तो एक मेहनत है और हर फर्द को मेहनत पर खड़ा करना है। जैसे हर फर्द के लिए हर मुसलमान के लिए नमाज पढ़नी ज़रूरी है, वो तो 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए, वो सच बोलने वाला होना चाहिए, इसी तरह से वो दीन की मेहनत करने वाला भी होना चाहिए।
वो सारी चीज़ें साथ साथ हैं। जब वो आदमी नमाज पढ़ेगा और वुज़ू ना करे तो फिर वो उसकी नमाज नहीं है, तो वो वुज़ू तो नमाज के साथ है और पाकी वुज़ू से भी पहले पूरा बदन पाक होना चाहिए। वो भाई ये तो फ़राइज़ में से नहीं है। अरे भाई नहीं, फ़राइज़ वो है, वो उसमें शामिल है, उसके बगैर काम चलता नहीं है। पाक नहीं है तो भी नमाज नहीं होगी, और वुज़ू की पाकी नहीं है इख्तियार की तो भी नमाज नहीं होगी। और इसके अलावा बहुत सारी और शराइत है, लोगों के हकूक दबा लिए तो सारी नमाज चली गई दूसरे के हिस्से में, तो सारी चीज़ें उसके अंदर पोशीदा होती है। ये मेहनत जो है ये तो असास है, बुनियाद है। तो उसके लिए हम अपनी मेहनत को किस हद तक पूरा कर सके अपने इलाके में, हर एक के ऊपर अपने अपनी मस्जिद की जिम्मेदारी है, फिर अपने शहर की जिम्मेदारी है, अपने हलके की है और पूरे आलम की है। तो इसलिए हर एक हलके और सूबे से कारगुजारी सुनी जाती है कि कहाँ तक हम अपने मैदान मेहनत को कवर कर सके हैं और कितना बाकी बच गया है। ये फिक्र आती है इस कारगुजारी के ज़रिए से, हिम्मत अफजाइयाँ भी होती हैं। बास जगह ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह काम को लेकर के सलीके से आगे बढ़ जाते हैं, बास जगह ज़रा दिक्कतें होती हैं, लोग कम होते हैं, तो उनकी हिम्मत अफजाई हो जाती है और उनकी रहबरी भी हो जाती है कि भाई हाँ हम भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कारगुजारी कराई जाती है ताकि हमारी हिम्मतें भी बढ़ें और ज़िम्मेदारी का एहसास भी हमें हो जाए कि भाई हम सबको मेहनत करनी है। शुरू करा दें सिर्फ हमारी सुबह अंजा की कारगुजारी है। तीन चिल्ले की जमातों की तादाद कुल 8 रही और चिल्ले की जमातों की तादाद 132 रही। इसमें दीगर सूबों को भेजने की जो जमातों की यहाँ से तरकीब दिलाई गई थी उसमें कर्नाटक, कश्मीर, यूपी और एक दो सूबा था। कश्मीर में एक जमात जा सकी, जो कमी रहेगी इंशाल्लाह आइंदा पूरी की जाएगी। कर्नाटक तकरीबन 6 या 7 जमातें गई हैं, यूपी में भी एक गई है, अलीगढ़ में भी एक गई है और दीगर सूबों की जो जमातें भेजी हैं वो 15 जमातें गई सीन से। बैरून की एक जमात गई है जो इंडोनेशिया पहुंची है, 2 महीने हो गए। मामा सुराज 2 महीने की जो जमातें निकलनी थी वो इस मतलब एक ही नहीं है। मसूरा चिल्ले की जमातें भी नहीं निकल सकी बल्कि अशले की जमातें 4 निकली। माँ मसूरा सहरोजा की जमात 73 हुई और सहरोजा जमात मर्दाना जो माहाना औसत है 334 हुई। रमज़ान ने इस बात की थोड़ी तरक्की दिलाई गई थी शहर और अजला में कि इफ्तार के इस मौके पर प्रोफेशंस जितने हमारे हजरात काम करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, लेक्चरर हैं, IT के हैं, इनको इफ्तार से पहले जोड़ लें, असर से मगरिब तक बात हो, इफ्तार उनका कराए। इस तरह से तकरीबन शहर के हमारे 6-9 हल्कों में से 50 हल्कों से ज़्यादा इसके अंदर काम हुआ और इस तरह का इस्तेमाल हुआ। इससे रोज़ा जमातें ये देहात के इलाकों की भी है, सहरोज़ा माहाना औसत जमात, ये माहाना औसत जमातें 3-4 अजला की कुछ हैं, इसमें काफ़ी पूरा शहर की है, पूरे शहर की है। 200 जमातें शहर की है, 34 जमातें अजला की। एक नकादा यह था सूबे की तरफ से जो इस तरह का जोड़ है हिंदुस्तान के चंद पुरानों का आइंदा सूबे आंध्रा का मुतालबा है, आप हजरा से गुजारिश है। आगरा में शहर हैदराबाद ही का था, हैदराबाद शहर। शहर मुंबई की कारगुजारी है, 3 चिल्ले की 2 जमातें निकली
चिल्ले की कुछ 13 जमाते निकली उसमें टिकट भाई कर्नाटक आ जाए। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु तैयार है। ये सुबह कर्नाटक की कारोबारी है, 3 चिल्ले की कुल 90 जमातें निकली। चिल्ले की 1329 जमातें, 1329 चार माह बेरोल की 5 जमातें निकली। तकाजों पर जिसमें से तकाजों पर जो आपको तकाजे दिए गए थे उस पर तकाजों पर कितने लिख रहा हूँ उस पर तो इसमें तबाह नहीं जा पाएंगे। ये बात भी क्या नहीं लंच करना चाहती थी। कहाँ कहाँ के तकाजे दिए थे? दीगर सूबों में भेजने के लिए तकाजे दिए थे। कितने सूबों? दीगर सूबों में करीबन 162 जमातें बाहर सूबों में गई हैं। 12 सूबों यहाँ से जो तकाजों पर भेजना था उस पर जमातों का इंदा डालने की तरतीब है। उस पर जमातों का वादी हमारे जिम्मे है। वादी को भी जमाते गई हैं, मुस्करात की भी गई और मर्दों की भी नहीं। यूपी बिहार और दूसरों इलाकों में इस मरतबा नहीं जा सकते। अच्छा वही कह रहा हूँ कि उस पर जमाते इस मरतबा नहीं डाले, आइंदा इंशाल्लाह डाले। पेरून 4 माह की 5 जमातें निकली हैं। इंडोनेशिया 4, सोमालिया 1, माह मस्तरात 2 माह की 5 जमातें, साउथ अफ्रीका, तुर्की, मलावी, उर्दू, आइवरी कोस्ट, उसके अलावा 4 जमातें और तैयार हैं जिसका रुख मिला है तुर्की, सोमालिया, न्यूजीलैंड, मलावी। ये इंशाल्लाह अनकरीब रवाना हो जाए। माह मस्तरात शिले की 54 जमातें निकली, 54 जी। अशरे की जमातें 271, सहरोजा 1452, सहरोजा माहाना औसत 2799। हमारे यहाँ शाबान में सुबह का 6 माही जोड़ था उसमें और शहर के हमारे बेंगलोर के मशरे में हमेशा यह तरगीब दिलाई जाती है कि रमजान मुबारक के महीने में ऐसी बस्तियाँ जहाँ अजान नमाज नहीं होती, बड़े शहरों में जो एक्सटेंशन हैं, अपार्टमेंट के इलाके हैं, झोपड़पट्टी का इलाका है, वहाँ पर अजान नमाज शुरू करने और तरावी का इस्तेमाल करने का फिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा फिक्र हुई तो 445 जगह तक तरावी और 45 जगह अजान नमाज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुई। 445 तरावी और रमजान में नमाज शुरू हुई वहाँ। कितनी जगह? 445 जगह। 445 उसमें 45 जगह अल्हम्दुलिल्लाह अभी कायम है। रमजान के बाद भी नमाज जारी माशाल्लाह। और सहरोजा जो है रमजान 3 मरतबा सहरोजा लगाने की तरगीब दी जाती है, उस एतबार से 485 जमातों का इजाफा हुआ है रमजान के महीने। रमजान के महीने मर्दों की सहरोजा जी माशाल्लाह। रमजान में काम हर जगह ठंडा हो जाता है, इनके यहाँ गर्म हो जाता है। तमिलनाडु हर एक से कहते हैं कि भाई कम से कम 3 दफे, उसके बाद गुजरात तैयार है। कारगुजारी में 3 चिल्ले की कुल जमातें 10 हैं, उसमें से 8 जमातें पैदल और तकाजे जो दिए गए थे उसमें 4 जमातें गई गाजियाबाद के इलाके में, मुरादाबाद के इलाके में ये जमातें गई। चिल्ले की कुल जमातें 319, उसमें से 150 जमातें पैदल और उसमें से तकरीबन 58 जमातें तकाजों पे गई हैं। खासकर एक जमात जो है वो गाजियाबाद के इलाके में काम की, बहुत अच्छा काम की, वहाँ से नकद जमातें तैयार करके लाए और अपने दूसरे इलाकों में उन जमातों को चलाया। बहुत अच्छा जहन बनाए गए। 55 जमातें दीगर सूबों में भेजी गई। बैरून की फिलहाल कोई जमात नहीं गई, माँ मस्तूरात की नहीं गई। चिल्ले की माँ मस्तूरात 5 जमातें गई। माँ
مقدرہ سیر روزہ جماعتوں کی تعداد 46 ہے، سیر روزہ جماعتوں کا ماہانہ اوسط 485 ہے پورے صوبے کے۔ کرناٹک کے بعد تمل ناڈو تیار ہے۔ السلام علیکم، صوبہ تمل ناڈو تین ضلع کی کل جماعتیں 12، ضلع کی کل جماعتوں کی تعداد 199، دیگر صوبوں میں بھیجی گئی جماعتیں 70، بیرون بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد 4، ایک جماعت جرمنی، ایک جماعت زامبیا، ایک فلپائن سنگاپور اور ایک چائنا۔ بیرون ماہ مسترات چلے کی جماعتیں 3، اشری کی جماعتیں 15، ماہ مسترات صحرا جماعتوں کی تعداد مستورات کی 70، ماہ مسترات جماعتوں کی ماہانہ اوسط تعداد 640۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں حاجیوں کا جوڑ جو ہے الحمد للہ گجرات کی اشرے کی جماعتیں بھی بنی اور صحرا جماعتیں بھی الحمد للہ بنی۔ آندھرا آ جائے، آندھرا، آندھرا پردیش، آندھرا کے بعد بمبئی تیار ہے۔ آندھرا کے بعد کون؟ بمبئی تیار ہے، بمبئی آندھرا کے بعد۔